आई डोंट मेक एनी कमेंट्स ऑन प्रेसिडेंट स्टेटमेंट। मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने क्या कंडीशन में कहा आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। इफ यू आस्क मी क्वालिटी ऑफ बोफोर्स देन दे आर गुड। द राष्ट्रपति भवन इज एन इंस्टीट्यूशन अबव द पॉलिटिक्स ऑफ आवर नेशन एंड आई थिंक द प्रेसिडेंट बोथ एज एन इंस्टीट्यूशन एज एन अ पर्सन शुड बी अबव पॉलिटिक्स। आई डू नॉट थिंक इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट। The President of India is absolutely correct. Bofors was a mind-numbing exercise in slander, and people in the BJP built political careers out of that slander. Ultimately, no court of law found anything in the Bofors matter, and even the BJP government, the then BJP government, led by Mr. Atal Bihari Vajpayee, did not even have the temerity to file an appeal against the decision of the Delhi High Court. मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और छः साल NDA की सरकार थी जिसने आरोप लगाया था कि बोफोर्स में जो गन खरीदा गया था उसमें भ्रष्टाचार हुआ था और वो बोफोर्स से अच्छा नहीं था, अच्छा तोप नहीं था। लेकिन जब कारगिल में जब घटना घटी और पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था तो उस समय बोफोर्स ने ही देश की रक्षा की थी। और मेरा ख्याल है कि राष्ट्रपति ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही कही हैं। ये बात सिद्ध हो गई कि उसमें कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे राजीव गांधी के उस सौदे में कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ हो।